अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अर्शद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके अलावा अगर आपने कोई भी हर्बल प्रोडक्ट परचेज करनी हो तो मेरी वेबसाइट अरशदबाजार.com से जाके खरीद सकते हैं, या आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मेरा स्टोर है अरशदबाजार.com के नाम से, वहाँ से भी डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक नुस्खा शेयर करूँगा जो कि आपके बालों को कुदरती तौर पर काला करेगा। इसको नुस्खे को आप वक्ती तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वक्ती फ़ायदे के लिए, वक्ती चमक के लिए। जिस तरह मैंने अभी लगाया हुआ है, आपको मेरे बाल जो हैं वो काले नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मेरे बाल इस वक्त जो कुदरती तौर पे तकरीबन 30% तक सफ़ेद हो चुके हैं एज के हिसाब से। वो मैं आपको सारा बताता हूँ कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, और अगर आप इसको मुस्तकिल फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहें तो वो भी आपको बताता हूँ। नुस्खा बताने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि बाल सफ़ेद होने की चार मेन रीज़न्स होती हैं। एक एज फैक्टर, यानी कि एज के साथ साथ सफ़ेद होना जिस तरह मेरे हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहना। तीसरे नंबर पे दिमागी कमज़ोरी। चौथे नंबर पे जो ये केमिकल्स वगैरह या आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं इनका बेजा इस्तेमाल, जेल वगैरह, क्रीमें वगैरह, तो उससे भी बाल जो है आपके उम्र से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, एज से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। ये जो नुस्खा है इसका इस्तेमाल अगर आप, ये जो तीन चीज़ें हैं, तीन वजूहात हैं, एक बाल दिमागी कमज़ोरी से सफ़ेद होना, नज़ला ज़ुकाम से सफ़ेद होना, या आपकी जो जेल वगैरह लगाने से सफ़ेद होना, तो इन तीनों में आप लोगों को ये तीनों रीजंस भी ख़त्म करनी पड़ेंगी, तब जाके इस ऑयल का फ़ायदा होगा, वरना वक्ती तौर पे ये आपको फ़ायदा देगा। और जो एज के साथ साथ होते हैं वो भी लोग ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो बिल्कुल सफ़ेद सारा सफ़ेद हो चुका है उसमें ये फ़ायदा नहीं देता। इस तरह जिस तरह मेरे मिक्स बाल हैं 50% अगर आपके सफ़ेद हो चुके हैं तो उसमें ये आप लोगों को फ़ायदा देगा। अच्छा, इसका बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने, अगर आपको इन तीन अलामात हैं, तीन रीजंस की वजह से आपके बाल सफ़ेद हैं जो मैंने जिक्र किया है, तो उनको कैसे आपने साथ साथ कवर करना है। जेल वगैरह की वजह से है तो उसको आपने यूज़ नहीं करना, जेल को, ड्रायर को, और इस तरह की केमिकल क्रीमें वगैरह जो स्ट्रेट करने के लिए लगाते हैं वो आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। अगर आपके दिमागी कमज़ोरी की वजह से बाल सफ़ेद हैं तो आपने, मैंने एक मिल्क शेक बताया था दिमागी कमज़ोरी के लिए, दूध लेके एक गिलास उबला हुआ ठंडा, उसमें दो दाने काजू के, दो दाने बादाम के, एक अखरोट और दो तीन दाने पिस्ते के, और एक अदद खजूर गुठली निकाल के, उनको आपने कुछ देर भिगो के, दूध में ही भिगो के रख देना है, और फिर दूध को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, और इसमें एक डंडी, सिर्फ एक डंडी, ज़्यादा नहीं, एक डंडी ज़ाफ़रान खालिस लेके, कश्मीरी या ईरानी या स्पेनिश मिल जाए तो बेहतर है, एक या दो डंडियों से ज़्यादा आपने इसमें ज़ाफ़रान नहीं डालनी, हसबे ज़ायका चीनी भी डाल सकते हैं या गुड़ डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। उसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड करके मिल्क शेक सा बना के वो आपने डेली पी लेना है, ठीक है। किसी भी टाइम पी लें, सुबह के टाइम पे पी लें, नाश्ते से पहले नहीं, हार्मोन नाश्ते से 30-40 मिनट पहले तो बेस्ट है। ये उन दिमागी कमज़ोरी वालों के लिए साथ साथ आपने यूज़ करना है इस ऑयल के। और जो जिनको इसका बलगम का या नज़ला ज़ुकाम का मसला है तो वो नज़ला ज़ुकाम के कोई इलाज करें, मैंने मे बी वीडियोज़ बताई होंगी नज़ला ज़ुकाम का इलाज, तो उसको देख लें, या आपका अगर कोई तबीब है करीबी तो उससे आप मशवरा करके नज़ला ज़ुकाम का भी साथ साथ इलाज करवाएं, अदरवाइज़ भी इसका वक्ती फ़ायदा आपको मिलेगा। ऑयल का, ऑयल बनाने का तरीका क्या है कि आपने 250 ml यानी कि एक पाव के करीब कलवंजी का खालस तेल निकलवा लेना है। बाजारी चीज़ ना लिया करें ऑयल स्पेशली, उनमें कुछ नहीं होता, वो फिर आप मेहनत करते रहते हैं आपको फ़ायदा नहीं होता। कलवंजी का खालस ऑयल आपने निकलवा लेना है 250 ml, ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बता रहा हूँ, ये लड़के लड़कियाँ दोनों यकसम यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है। अब आपने उस ऑयल को एक लोहे की कढ़ाई में डालना है, लोहे की, याद रखिएगा कि सिल्वर स्टील या इस तरह की नहीं चाहिए, इस लोहे की कढ़ाई चाहिए, किसी से मांग लें अगर घर में नहीं है। उसमें आपने ऑयल डाल के उसके अंदर आपने 2 चम्मच मेथी दाना जो आम मिल जाता है उसको आपने थोड़ा बारीक पीस के, मोटा मोटा सा, वो आपने 2 चम्मच इसके अंदर डाल देना है। 2 चम्मच आपने खालस मेहंदी के पत्ते लेके उनका बारीक पाउडर करके वो डाल देने हैं। 2 चम्मच आपने जो आंवला, खुश्क आंवला, ड्राई आंवला होता है, उसकी गुठलियाँ निकाल के, तो उसके जो आंवला है उसको अच्छी तरह पीस के 2 चम्मच आपने वो डाल देना है। 2 चम्मच आपने बालछड़
बाल छड़ ये लेके आपको पंसारी से मिल जाएगा, ये आपने इसके अंदर डाल देना है 2 चम्मच पाउडर करके और 2 चम्मच छड़ीला, ठीक है, छड़ छड़ीला भी बोलते हैं, छड़ीला भी बोलते हैं, ये आपको दोनों पंसारी से मिल जाएंगे, सारी चीज़ें ही पंसारी से मिल जाएंगी आपको। 2 चम्मच आपने ये डाल देना है, ठीक है, 2 चम्मच मेहंदी पाउडर, 2 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच मेथी दाना पाउडर, 2 चम्मच बाल छड़ पाउडर और 2 चम्मच छड़ीला पाउडर, ये आपने डाल के ओवरनाइट आपने इसी तरह इसको पड़ा रहने देना है, ठीक है, अच्छी तरह मिक्स कर देना है पाउडर को तेल में। उसके बाद दूसरे दिन आपने इसको आग पे रख देना है और बिल्कुल दम वाली नीचे से, दम से थोड़ी सी ज़्यादा आँच लो जिसको बोलते हैं, उस आग पे इसको पकने देना है। पकता रहेगा, तमाम चीज़ें जल जाएंगी, जल के काली हो जाएंगी, तेल भी काला हो जाएगा, ये तो वैसे भी ऑलरेडी भी काला होता है। तो जब 2-2.5 घंटे कम से कम आपने इसको पकने देना है, 2 घंटे तो मिनिमम पकने दें। जब ये पक जाएगा इसको आपने उतार लेना है, उतार के आपने इसको ठंडा होने देना है और फिर आपने 24 घंटे के लिए इसको उसी लोहे की कढ़ाई में इसी तरह पड़ा रहने देना है, ठीक है, पड़ा रहेगा। जब 24 घंटे गुजर जाएंगे आपने इसको छान के, अगर इसका वो नीचे जो पाउडर सा है वो आ भी जाए बीच में तो इशू नहीं है, वो तय में बैठ जाता है, आपने इसको बोतल में डाल के रख लेना है। अब आपको लगाने का तरीका मैं बता दूं, जो लोग इसको वक्ती तौर पे बालों को काला करना चाहते हैं, फौरी इसका खसाब वाला हिसाब है, जिस तरह खसाब जो है वो वक्ती लुक देता है काली, इसी तरह भी ये काम करता है। तो अगर आप मुस्तकिल फ़ायदे के लिए भी करना चाहें तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने नहा के बालों को खुश्क होने देना है, गीले बालों पे नहीं लगाना, ठीक है, बाल जब आपके ड्राई हो जाएं तो आपने थोड़ा सा ऑयल हथेली पे डाल के लगाने से पहले बोतल को अच्छी तरह शेक कर लें ताकि जो ज़रात वगैरह भी इसमें मिक्स हो जाए। हाथ पे डाल के जितना आप सरसों का तेल लगाते हैं आम लाइफ में, इसको अच्छी तरह आपने हाथों पर लगा के तो पूरे सर पर लगा लेना है, जहाँ पर आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद हों वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हाथ मारना है, ऑयल थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा लगा लेना है, तो वक्ती लुक आपकी ये बालों की फौरी ब्लैक कर देता है, जो थोड़े बहुत आपको सफ़ेद नज़र आते हैं वो आपको सफ़ेद नज़र नहीं आएंगे। अगर आप इसका मुश्किल फ़ायदा लेना चाहते हैं कि मुश्किल लॉन्ग टर्म में आपके बालों पे कलर चढ़ जाए, तो उसका तरीका ये होता है कि डेली आपने नहा के जब बाल खुश्क हो जाएँ तो ऑयल का मसाज करना है जड़ों के अंदर, जहाँ पर स्पेशली सफ़ेद बाल ज़्यादा हों वहाँ पर ज़्यादा लगाना है, ऊपर भी लगाना है बालों के इस तरह भी, और बालों की जड़ों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका मसाज करना है नरम हाथों से। तो ये डेली इसको कोशिश करें कि पूरा दिन 24 घंटे लगा रहे, अगर 24 घंटे नहीं लगा रहने दे सकते, जॉब पे जाना है या मसला है, वैसे तो इसका कोई इशू नहीं होता, लगा रहने दे खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको कम से कम 2-2.5 घंटे दें, फिर आपने नेक्स्ट डे नहा के फिर इसी तरह ये लगातार आपने 3 महीने के लिए सर पर लगा ही रहने देना है, सिर्फ नहाने तक आपका ये उतरना चाहिए, नहाने के बाद बाल खुश्क करके फिर आपने ये लगा लेना है। ये कुदरती और बिल्कुल बेज़र्र चीज़ है, इसमें कोई आपको मैंने बताया कि केमिकल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, मैं खुद भी ये यूज़ करता हूँ, मैं मुस्तकिल तौर पे यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सुस्त है, मुझसे इतनी वो होती नहीं है कि मैं इसको लगा लूँ और फिर मैं इसको उतारूँ, मैं इसको नहा के वक्ती तौर पे लगा लेता हूँ और मेरी लुक जो है बालों की वो ब्लैक रहती है। तो ये इस दाढ़ी जिनकी दाढ़ियाँ बड़ी हैं, यानी कि छोटी दाढ़ी वालों को तो ये नहीं करेगा इतना सा असर, जिनकी दाढ़ियाँ बड़ी होती हैं जो इस्लामी तौर पर रखते हैं सुन्नत के तौर पर, तो उनके अगर सफ़ेद कुछ बाल हैं तो उनके भी ये इंशाल्लाह काम करेगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, अगर आपको फ़ायदा हो और उसके का तो दुआओं में याद रखिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।